क्रिसमस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। एक चर्च के गायक मंडली में एक ऐसा आदमी भी था जो बहुत अच्छा नहीं गा सकता था, इसलिए गायक मंडली ने उसे सुझाव दिया कि उन्हें गायक मंडली का साथ छोड़ देना चाहिए। पर दूसरों ने महसूस किया कि उन्हें सुधार के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए। पर गायक दल के अगुआ ने पुरोहित के पास जाकर उनकी शिकायत करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, आपको उसे गायक दल से बाहर निकालना होगा, वरना मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। इस पर पुरोहित ने उस आदमी से कहा, शायद आपको गायक दल छोड़ देना चाहिए। उनकी बातों पर आश्चर्यचकित होते हुए उसने पुरोहित से पूछा, आखिर मुझे गायक मंडली को क्यों छोड़ना चाहिए? उनके प्रश्न के उत्तर में रोहित ने कहा, चार पांच लोगों से मैंने यह सुना कि आपको गाने नहीं आता और अच्छी तरह से गा नहीं सकते। इस बात पर बौखलाते हुए उसने रोहित को जवाब दिया, फादर जी, यह तो कुछ भी नहीं है। 40 से 50 लोगों से मैंने आपके बारे में भी यह कहते हुए सुना है कि आपको उपदेश देने नहीं आता है, क्या आप चर्च छोड़ देंगे? कलीसिया के धर्म पिता के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद पहली बार संत पिता फ्रांसिस के पहले साक्षात्कार के दौरान एक पत्रकार ने उनसे एक पहला प्रश्न पूछता था, आप कौन हैं? और यह एक अनजाना और अनचाहा प्रश्न था। थोड़ी देर के लिए तो संत पिता इस प्रश्न पर मौन रह गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, मैं एक पापी हूं। इस अप्रत्याशित उत्तर से सभी अवाक रह गए। पर संत पिता फ्रांसिस अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मैं एक पापी हूं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी अपार दया से इस पापी को अपने दिव्य मिशन के लिए बुलाया है। मैं जो हूं, जो मैं करता हूं और जो कुछ मेरे पास है, वह सब प्रभु का उपहार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठ हमें दिखाते हैं कि कैसे ईश्वर साधारण, सरल, पापी, कमजोर और अनपढ़ लोगों को उपयोग अपनी दिव्य इच्छा को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर योग्य व्यक्तियों को अपना संसाधन नहीं बनाता, वरन वह उन लोगों को चुनता है जो इच्छुक हो और जिन्हें वह बुलाता है वह उन्हें अवश्य ही योग्य ही बनाता है। पहले पाठ में हम उसे उस यशायास की मुलाकात के बारे में सुनते हैं जिसके होंठ अशुद्ध थे। ईश्वर ने उन्हें अपने मिशन कार्य के लिए नियुक्त किया, इसलिए नबी इसायस कहते हैं, हाय, मैं पापी हूं, मैं खो गया, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वालों मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वालों लोगों के बीच रहता हूं। दूसरे पाठ में संत पौलुस के बुलाहट और उनके मिशन कार्य के बारे में हम सुनते हैं, जिन्होंने कलीसिया को बुरी तरह से सताया। वे कहते हैं, मैं सभी प्रेरितों में छोटा, वास्तव में मैंने ईश्वर की कलीसिया को प्रताड़ित किया है, मैं किसी नाम के योग्य भी नहीं हूं। और इस तरह परमेश्वर उस पौलुस को बुलाते हैं जो कभी कलीसिया को सताया करता था। सुसमाचार में हम संत पेत्रुस और उनके साथियों के बुलाहट के बारे में पढ़ते हैं। पेत्रुस और उसके साथी मछुआरे अनपढ़ थे और यीशु ने ऐसे लोगों को अपने काम पर बुलाया। रात भर काम करते हुए खाली हाथ वापस लौटते हैं, लेकिन यीशु के कहने से विश्वास करते हुए जाल डालते हैं, उनके नाव मछलियों से भर जाता है। जब संत पेत्रुस मसीह की शक्ति से अभिभूत होता है तो उसकी विनम्र प्रतिक्रिया होती है, हे प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, क्योंकि मैं एक पापी हूं। भले ही परमेश्वर ने अपने मिशन कार्य के लिए अयोग्य लोगों को बुलाया जो पापी थे, अनपढ़ थे और उन्हें सताते थे, पर उन्होंने उन्हें वैसा नहीं रखा जैसा कि वे वास्तव में थे। उन्होंने उन्हें तैयार किया और योग्य बनाया है। उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने इसायस को उसके अशुद्ध होठों शुद्ध किया और उसके पापों के दोष को परिशुद्ध कर उसे योग्य बनाया, उन्हें नबी के रूप में नियुक्त किया। और परमेश्वर ने जब इन तीनों को योग्य बनाया तो उनका कार्य अद्भुत और असाधारण था। इसायस नबी, जिन्होंने ईश्वर की बुलाहट को स्वीकारा था, यूदा के लोगों के बीच काम किया। जब यीशु ने संत पौलुस को चुना जो
उनको ही सताया करता था, अब गैर यहूदियों को उत्साहपूर्वक सुसमाचार सुनाता है तथा यीशु के लिए कष्ट सहने को भी तैयार है। और संत पेत्रुस जो कलीसिया के शीर्ष है, सुसमाचार का प्रचार करते हुए क्रिस्त के लिए अपने प्राण अर्पित करने के लिए भी तैयार थे। ईश्वर हमारी अयोग्यता को देखकर उसे संबोधित करते हैं तथा अपनी कृपा की शक्ति से हमें योग्य बनाते हैं। अब वे हमसे कहते हैं कि हमारे कमजोरियों तथा हमारे पापों, उनकी कृपा तथा उनका प्रेम के सामने कुछ भी नहीं है। वे हमें यह आश्वासन देते हुए कहते हैं, डरो नहीं। 365 बार हम बाइबल में ईश्वर को यह कहते हुए पाते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। उदाहरण के लिए महादूत गब्रियल माता मरियम से कहते हैं, मरियम डरिए नहीं। वही स्वर्गदूत तद योसेफ से भी कहते हैं, मरियम को अपनी पत्नी मां पत्नी के रूप में अपनाने से डरिए नहीं। वे चरवाहों को कहते हैं, मत डरिए। यीशु संत पेत्रुस से कहते हैं, डरो नहीं, अब से तुम मनुष्यों के मध्य में हो। अपने पुनरुत्थान के दिन यीशु अपने प्रेरितों को दर्शन देते हुए कहते हैं, डरिए नहीं, मैं ही हूं। प्रभु हम सभी को बुलाता है। प्रभु के मिशन कार्य कुछ लोगों की निजी संपत्ति नहीं है, यह केवल पुरोहितों और धर्म संघियों का काम नहीं है, बल्कि हर ईसाई हर इंसान का काम है। उसके मिशन को करने के लिए हमें योग्य नहीं बल्कि इच्छुक बनने की जरूरत है। और इसलिए हमारा ईश्वर जिसे चाहता है बुलाता है, जैसे साधारण सरल कमजोर पापी, यहां तक कि जो कलीसिया को सताता है, ताकि सभी उसका कार्य कर सके। कई बार जब हमें कलीसिया की सेवा करने की चुनौती दी जाती है तो हमारे तत्काल प्रतिक्रियाएं होती है, मैं कलीसिया का सेवक बनने का योग्य नहीं हूं, मैं अभी व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत सारे काम है, मैं यह नहीं कर सकूंगा। परंतु हमें से कौन यहोवा के दास होने का योग्य है? यदि इसाईस पेत्रुस और पौलुस प्रभु की सेवा करने के योग्य नहीं है तो हम उनके सामने नगण्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब पापी लोग हैं। एक बार जब इटली के विश्व विख्यात मूर्तिकार माइकल एंजेलो से पूछा गया कि महान मूर्तिकार बनने के लिए उनके जीवन का रहस्य क्या है, तो उन्होंने कहा, कुर्दरापन के बावजूद हर पत्थर के अंदर एक सुंदर मूर्ति छिपी हुई है। यदि आप एक छेनी लेते हैं और अवांछित बाहरी भाग को तराशते हैं तो अंदर की सुंदर मूर्ति को पा सकते हैं। हम सब पत्थर के समान बादर से कुर्दरापन है, पापी है, गलत है, गंदे हैं, बुरे हैं। लेकिन ईश्वर जानता है कि प्रत्येक मनुष्य में एक अद्भुत मूर्ति है, क्योंकि हम सभी उन्हीं की सृष्टि है, हम उनके ही प्रतिरूप में बनाए गए हैं। सिर्फ हमें तराशने की जरूरत है, हमें तराशने की जरूरत है। प्रभु हम सबों को अपनी स्थिति अवस्था कार्य से ही अपने मिशन कार्य में सहभागी होने के लिए आमंत्रण करते हैं, और उन्हीं परिस्थितियों में हमारी भी एक सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं की संतान है। हम अपने प्रेम, अपना समय, अपना धन, अपनी योग्यता और अपनी सहानुभूति को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। आज वे हम प्रत्येक जन से पूछते हैं, मैं किसे भेजूं, कौन हमारे लिए जाएगा? और इस स्थिति में नबी इसायास की तरह हमारा भी यही उत्तर हो, हे प्रभु, मैं प्रस्तुत हूं, मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेज।